दोस्तों 11 मार्च 2024 को CAA नागरिकता संशोधन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में CAA लागू नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इन इलाकों में अभी से इस कानून को लागू करने पर दंगे फसाद हो सकते हैं, मेनली असम साइड में, क्योंकि वहां पर 30 से ज्यादा संगठन इस कानून के विरोध में हैं और याचिका लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि असम के लोग मानते हैं कि हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों ही उनकी संस्कृति के लिए खतरा हैं और वो नहीं चाहते कि बंगाली लोग भारत में आकर बसें और असम की संस्कृति को नष्ट करें। डीएमके, कांग्रेस, एएपी जैसी बहुत सारी पार्टियां सीए के खिलाफ रही हैं शुरू से ही, अब भी प्रोटेस्ट कर रही हैं जगह जगह। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं सीएए लाने का आइडिया भारत सरकार को कैसे आया। 1950 में पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान और भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ था कि इन दोनों देशों में रहने वाली माइनॉरिटी को ये पूरी सिक्योरिटी देंगे, लेकिन इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान बांग्लादेश में माइनॉरिटी की जो हालत हुई है ना धर्म के नाम पर, बहुत बुरी तरह वहाँ पर कन्वर्जन, हिंदुओं का मुसलमानों में कन्वर्जन इत्यादि बहुत कुछ देखने को मिला है। सेकंड चीज, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, उनके साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा बर्ताव हुआ, इसके चलते वो 1950 में ही भारत वापस आ गए और बाकी की जिंदगी उन्होंने बंगाल में बिताई गुमनामी के रूप में। इसके बाद भारतीयों का मानना था कि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते को पूरी तरह अप्लाई नहीं किया गया और वहाँ पर माइनॉरिटी को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, मेनली हिंदुओं को। भारत में हिंदुओं को, मुसलमानों को सबको सिक्योरिटी दी गई और मुसलमानों के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव अभी तक नहीं हुआ। तब 2019 में NRC कराई गई, तब 19 लाख लोग भारत से बाहर हुए जिनमें करीबन 12 लाख हिंदू थे। तब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम नया रजिस्टर तैयार करेंगे, तब उसे अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फाइनली 2024 के लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, इसी को लेकर बीजेपी ने CAA को लागू कर दिया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि हम पूरे देश में CAA को लागू करेंगे, लेकिन कि मुसलमानों का मानना है कि CAA लागू होने से उनकी नागरिकता चली जाएगी क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे सरकार को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब अमित शाह इस कानून को लेकर सफाई दे रहे हैं जगह जगह मीडिया चैनलों पर। उनका कहना है कि ये कानून लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि उनसे नागरिकता छीनने का। मेनली बात तो यह है कि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बनाए, ना कि भारत में रहने वाले मुसलमानों या हिंदुओं के लिए। इस कानून के तहत तीनों देशों में रहने वाले गैर मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बुद्ध, हिंदू, फारसी लोग भारत में रहकर सह सकते हैं और उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें 6 साल तक भारत में रहना होगा। दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बस लोगों को ये बताना होगा कि वो भारत में कब आए थे। लेकिन इसको लेकर मुसलमानों का मानना है कि इसमें मुस्लिम जाति को शामिल क्यों नहीं किया गया, तो ये एंटी मुस्लिम कानून है और इसे पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करो और इसे वापस लो। इसके लिए याचिका भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, डीएमके, असम पीपल्स पार्टी, बहुत सारी पार्टियों ने लगाई है। इस कानून पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये कानून विदेशियों को भारत में शरण देने का कानून है और हम दूसरे देशों के घुसपैठियों को अपने देश में शरण क्यों दें और ये हमारे घरों के सामने रहेंगे तो ये क्या अच्छा है, ये हमारे देश की गरीबी को और बढ़ा देगा ना कि दूर करेगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं। अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? जो आया उसको दे दी नागरिकता। हमारे देश में कम गरीबी है क्या? अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान इस कानून को एंटी मुस्लिम क्यों कह रहे हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी शाहीनबाग में विरोध हुआ था इस कानून को, तब 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके मेनली दो रीजन है। पहला, मुसलमानों को लगता है कि सरकार ने इन 6 कास्ट को शामिल किया है सिटीजनशिप के लिए, लेकिन मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया। प्रत्येक मुसलमान के मन में यही सवाल है, लेकिन सबको लगता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को भारत में बसा दिया जाए
जाएगा, इससे हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी और मुसलमानों को दबाने का कार्य किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत तो उन लोगों को भारत में शरण देना चाहता है जिनके साथ माइनॉरिटी के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भेदभाव हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है, और वो दुखी लोग भारत में आकर रह सकते हैं। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि भारत का परम धर्म है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित रखे, क्योंकि मूल निवासी तो भारत के हैं लेकिन बंटवारे के समय पाकिस्तान, बांग्लादेश में चले गए। लेकिन इसी के पीछे कुछ मुसलमान मानते हैं कि इसके साथ मुसलमानों को भी शरण दी जाए, लेकिन मुसलमानों को शरण देने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अगर मुसलमानों को शरण देनी होती तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द क्यों सहन करता? अब उन लोगों को भारत में क्यों शामिल किया जाएगा जिनको हमने बंटवारे के द्वारा अलग कर दिया है या वो अलग हो गए हमसे, उन्हें भारत में क्यों लाएंगे हम? तो ये भी एक मेन प्रश्न है, इसको समझना चाहिए लोगों को। और ये भारत के मुसलमानों के लिए कानून नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों के लिए है जो कि माइनॉरिटी में है और वो भारत में आना चाहते हैं। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया और संसद में पास हुआ। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया पूरी तरह। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि असम के लोग इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों को ही असम के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहते। उनका मानना है असम में हिंदू बंगाली या मुस्लिम बंगाली आने के बाद उनकी संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, और बांग्लादेश से काफी संख्या में हिंदू मुस्लिम असम में आते हैं। इसके लिए वहाँ के 30 से ज्यादा संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल असम के अंदर, और वो कह रहे हैं कि सीएए को असम में लागू नहीं किया जाए। वो ना तो हिंदुओं को भारत में आना देना चाहते हैं और ना मुसलमानों को, लेकिन बीजेपी अपने वोट बैंक की वजह से उन लोगों को भारत में लाना चाहती है, क्योंकि असम में 39% मुस्लिम आबादी है और वहाँ पर हिंदू आबादी को बसाने के लिए सीएए लाया गया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी एंटी मुस्लिम क्वांटिटी को बढ़ाकर वहाँ पर चुनाव जीतना चाहती है, इसी के लिए ये सीएए लागू करना चाहती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस कानून के पूरी तरह अपोजिट है और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सीएए को पश्चिम बंगाल में लागू किया जा सकता है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सीए को लागू करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर मथुआ समुदाय की जनजाति बहुत ज्यादा है और वो ही बीजेपी का वोट बैंक है। उनको नागरिकता देकर बीजेपी वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को हराना चाहती है। सीए लागू होते ही वहाँ की मथुआ जनजाति पूरी तरह नाचने लगी और बीजेपी के गुणगान करने लगी। बीजेपी उन लोगों को अपना वोट बैंक बनाकर लोकसभा इलेक्शन 2024 में यूज करना चाहती है, ये उसका मेन लक्ष्य है। अब सवाल खड़ा होता है कि 2019 में पास होने के बाद सीए को भारत में लागू करने में 4 साल कैसे लग गए? इसका सवाल का जवाब है कि भारत सरकार ने कानून बनाने में 4 साल लगा दिए। इससे पहले भी भारत में 2 बार सिटीजनशिप कानून आ चुका है। पहला 1950 में आया जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, अंबेडकर कानून मंत्री थे, और इस कानून के 2 मोटिव थे। पहला, जो लोग गलत तरीके से असम में आए थे उन्हें बाहर निकालना, और सेकंड, जो हिंदू भारत में रुकने की इजाजत चाहते हैं उन्हें इजाजत देना, क्योंकि बांग्लादेश में धर्म के नाम पर उत्पीड़न हुआ था उन लोगों के साथ। इसके बाद 2003-04 में वाजपेयी सरकार ने मेनली राजस्थान और गुजरात की सरकार को ये राइट्स दिए थे कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को शरण दी जाए भारत में और उन्हें नागरिकता दी जाए। फैसला आने पर पश्चिम बंगाल की मटुआ समुदाय बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश बनने के बाद भारत आए थे। करीबन 30 लाख लोग हैं और ये सब बीजेपी का वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी पश्चिम बंगाल में कुछ ना कुछ करके सीट जीतना चाहती है। इसलिए लोकसभा इलेक्शन से पहले इस जाति को खुश करने के लिए सीए लागू किया गया। अमित शाह का एक भाषण भी वायरल है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि एक पत्थर की लकीर है, लागू होगा और लागू होकर रहेगा, वही काम उन्होंने किया है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही चाहते हैं कुछ, तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर ही देना। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना।